हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। ठीक है, इस नए वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस नए वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक आठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि पिछला क्वेश्चन को बनाया हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि एक सीरीज से आप लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से आप लोग बना सकते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन क्वेश्चन को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना, या फिर मेरे चैनल गुलाबी स्टडी क्लास है उस चैनल में जाकर आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग फार्मूला वाला वीडियो भी देखना, ताकि इस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को परेशानी ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक आठ है, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट दो साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट दो कॉस थीटा। हम लोगों को यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट दो कॉस थीटा, इसी को प्रूफ करना है। और दिया क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट दो साइन थीटा, हमें यह दिया है। मैंने हल करके इस क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। इसी क्वेश्चन से हम लोगों को क्या प्रूफ करना है जी? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट दो कॉस थीटा, इसी को प्रूव करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी बड़े ही मजे से, बड़े ही अच्छा तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अवश्य पेन कॉपी पकड़ कर ही इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट दो साइन थीटा। तो सबसे पहले काम करो कि साइन थीटा को राइट हैंड साइड पक्षांतर कर दो, है ना। साइन थीटा को किधर पक्षांतर करेंगे? राइट हैंड साइड। तो चलिए कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट दो साइन थीटा, देखो इस पर आकर ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ओनली यहाँ पर हम लोग पक्षांतर बस किए हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ से कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। तो ये हो जाता है कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट दो प्लस एक, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाले? साइन थीटा कॉमन निकाले। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग केवल अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग कमेंट करके बताया करिए, ठीक है, ताकि हम लोग उस कमेंट को देखकर मोटिवेट होते हैं कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ाएं, है ना। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अवश्य ही बताया करिए कि कहाँ पर दिक्कत आता है और कहाँ पर दिक्कत नहीं आता, उसको भी बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर देना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी करना ना भूलना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब उसके पश्चात देखिए साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर करेंगे। तो जब भी आप लोगों को पता होगा, यदि इनटू वाला या फिर गुणा वाला साइन रहता है तो पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाता है। इसको आप लोग जिंदगी भर याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का जो संबंध है इसके साथ वो गुणा का संबंध है। ठीक है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाता है कॉस थीटा के। कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट दो प्लस वन। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप लोग प्लीज़ नोट करते हुए जाना। ठीक है, अब उसके पश्चात देखिए, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए, इसका कुछ हर नहीं है, उसको बोल रहा हूँ अंडर रूट दो प्लस एक। इसका कुछ नहीं है हर, मतलब इसका हर क्या है जी? एक है। मान सकते हो, मानने में क्या है, गणित पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अब उसके पश्चात देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू, इसमें आप लोगों को अंश का परिमेयकरण करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, वैसे अंश का परिमेयकरण करना पड़ेगा। चलिए अंश का परिमेयकरण कर लेते हैं, अंडर रूट दो प्लस एक अपान एक गुणा अंडर रूट दो माइनस वन अपान अंडर रूट दो माइनस वन। जब भी परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह को बदलते हुए उसका गुणा और भाग कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करो। बार बार मैं फार्मूले को बताता नहीं रहूँगा, छोटा सा फार्मूला है, पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट दो प्लस एक इंटू अंडर रूट दो माइनस एक, ये ए इन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसी फार्मूले का इसमें यूज होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं अंडर रूट दो का वर्ग ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, मतलब बी के स्थान पर एक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बस इसी फार्मूले का रिलेट करके यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, अपान
एक का मल्टीप्लाई करो, एक का मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट दो माइनस वन ही आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, किसी भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट दो का वर्ग। अंडर रूट दो का वर्ग क्या होता है जी? दो होता है, अंडर रूट दो का वर्ग दो होता है, ठीक है। आप लोगों को याद ही रखना, ये बहुत यूजफुल फार्मूला है। जैसे कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए है, इसका वैल्यू क्या होता है? ए ही होता है। क्यों होता है पता है? देखो अंडर रूट मतलब उसका मान क्या होता है? एक बटे दो होता है ना। यहाँ पर भी अंडर रूट क्या है? एक बटे दो ही है। जब इसको सॉल्व किया जाता है, गुणा का संबंध है तो गुणा के संबंध में इसका पावर जो है जुड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं। इसका पावर एक एक बटे दो और एक बटे दो को जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसको और हल करेंगे तो क्या आएगा? दो एलसीएम आएगा, फिर एक प्लस एक, तो ए जो इसका जो मान होगा वो क्या होगा? एक और एक दो हो जाएगा, दो बटे दो, ये दो दो कैंसल, अर्थात इसमें क्या आ गया? ए तो आ गया ना। आप लोग जब भी याद रखना, संख्या हो या फिर कोई भी अंक हो, जब वो दो बार रहता है अंडर रूट में, जैसे कि अंडर रूट पाँच गुणा अंडर रूट पाँच, ये दो बार अंडर रूट में है और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये केवल क्या आएगा? पाँच आएगा। बस इसी का यूज तो इसमें हुआ है, अंडर रूट दो का वर्ग है तो उसका जो वर्ग आएगा वो कितना होगा? वो दो ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग को। अब उसके पश्चात देखते हैं हम लोग, ये माइनस एक का वर्ग मतलब एक ही आएगा, अपान अंडर रूट दो माइनस एक। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब उसके पश्चात देखो, इसका एक फार्मूला होता है कॉट थीटा, उस कॉट थीटा को मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा, क्योंकि हमें जैसा प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू, दो में एक घटेगा तो एक आ जाएगा, एक बटे अंडर रूट दो माइनस एक। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद तिर्यक गुणा किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप लोग लिख लेना, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, चलिए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई अंडर रूट दो माइनस वन के साथ करते हैं, तो अंडर रूट दो इंटू कॉस थीटा, अंडर रूट दो इंटू कॉस थीटा, वन के साथ करते हैं माइनस तीन है तो माइनस ये आ जाता है कॉस थीटा, इक्वल टू साइन थीटा का मल्टीप्लाई एक के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा को, इधर माइनस कॉस थीटा है, उसको राइट हैंड साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो है ना। अब देखिए चलिए पक्षांतर कर देते हैं, तो अंडर रूट दो कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा, ये इस पर माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड, जब इसको राइट हैंड साइड हम लोग पक्षांतर करेंगे तो उस पर जाकर वो प्लस हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, दोनों इक्वल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल में क्या है? अंडर रूट दो कॉस थीटा। बस यही तो प्रूफ करना था। देखिए क्या प्रूफ करना था, अब लोग प्लस का साइन है तो उसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट दो कॉस थीटा, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट दो कॉस थीटा। बहुत ही आसानी तरीके से हमने इसको बना लिया है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना भूलना मत, ठीक है। और आप लोग यदि है ना नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर नौवा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक नौवा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक नौवा हमारा क्या बोलता है, देखिए प्रश्न क्रमांक नौवा है, यदि टेन थीटा इक्वल एन टेन फाई तथा साइन थीटा इक्वल एम साइन फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखना, अंत तक देखना, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए यहाँ पर मैंने हल में लिख दिया हूँ, साइन थीटा इक्वल एन टेन फाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो अब देखो इसको सबसे पहले काम करो, एन को लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर कर दो। तो यहाँ पर गुणा का संबंध है, मैं बताया हूँ जब गुणा का संबंध रहता है तो पक्षांतर करते हैं तो हमेशा भाग में आता है, ठीक है। तो चलिए एन को पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाता है टेन थीटा अपान एन इक्वल टेन साइन फाइव,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, केवल मैं एन को पक्षांतर किया हूँ। अब उसके पश्चात ये होगा क्या, दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। कहने का अर्थ समझ में आया, जैसे कि जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, मैं बताया हूँ। तो देखो यहाँ पर टेन फाई का मान है ना, यहाँ पर उसका कुछ हर नहीं है, उसका हर हम लोग एक मान सकते हैं। अब उसके पश्चात इसको उलट दो, दोनों साइड को उलट दो, तो उल्टेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन बटे टेन थीटा इक्वल एक बटे टेन फाई, ठीक है, दोनों पक्षों को क्या कर दिए, उलट दिए। अब उसके पश्चात आप लोग सोचो यहाँ पर कौन से फार्मूला का यूज होगा, वन अपान टेन फाई, इसका सूत्र बताया था। चाहे तो यहाँ पर कुछ भी हो, थीटा हो, फाई हो, साई हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोण से कोई लेना देना नहीं है ना, इक्वल होना चाहिए। तो वन अपान टेन फाई का फार्मूला होता है कॉट फाई, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस सूत्र को लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे तब क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, एन बटे टेन थीटा इक्वल कॉट फाई, एन बटे टेन थीटा इक्वल कॉट फाई, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर एक मानेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ से हल करेंगे, साइन थीटा इक्वल एम साइन फाई, जैसे इसको सॉल्व किया है सेम टू सेम इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इक्वल एम साइन फाई, जैसे यहाँ पर एन को पक्षांतर किए वैसे भी इसमें एम को भी इसमें भी क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, सेम है, देखना सेम प्रोसेस चलेगा। साइन थीटा अपान एम को इधर पक्षांतर किए, अपान में आया, डिवाइड में आया, उसके बाद यहाँ पर साइन फाई, उसके पश्चात जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है ना, जैसे इसमें बताया, उसके बाद दोनों पक्षों को क्या करेंगे, उलट देंगे। चलिए उलट देते हैं, एम बटे साइन थीटा इक्वल एक बटे साइन फाई। अब यहाँ पर भी इसका फार्मूला यूज होगा, फार्मूला को लिख देता हूँ, सूत्र वन अपान साइन फाई इक्वल होता है कोसेक फाई, ठीक है। तो इसका फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो ये हमको मिलता है एम अपान साइन थीटा इक्वल कोसेक फाई। यहाँ तक सबको क्लियर है, यदि डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अवश्य ही बताना, ठीक है, और अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करना तो भूलना मत, ठीक है। अब उसके पश्चात देखिए इसको हम लोग माने दो, ठीक है। अब उसके पश्चात हमने बताया था, फार्मूला में भी बताया हूँ और आप लोग याद भी किए होंगे, है ना, उस फार्मूले का इसमें यूज होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा से और बना लेते हैं, उसके बाद इसको रब कर लेते हैं, ताकि जब इसको मैं रब कर लूँगा तो आप लोगों को थोड़ा से समझने में दिक्कत होगा, इस कारण से यही से थोड़ा बनाते हैं। तो एक फार्मूला होता है, तब लिख लेना आप लोग, तब कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई का वैल्यू क्या होता है, एक होता है, ये फार्मूला है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, है ना। इसी फार्मूले में जो हमें मान मिला है ना, उसी मान को इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो मान मिला है उसको मैं यहाँ पर घेर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, ये मैंने इसको ब्लू कलर से घेर लिया है। अब उस ऊपर को थोड़ा रब कर लेते हैं ताकि समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, मैंने यहाँ पर जो ऊपर में बनाया था उसको रब कर लिया हूँ, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जो प्रूफ करना है उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ ताकि प्रूफ करते वक्त आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल एक होता है, ये तो फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले में इक्वेशन नंबर वन में जो हम लोग निकाले हैं और इक्वेशन नंबर टू में हम लोग जो निकाले हैं, इसी इक्वेशन निकाले हैं, इसको इसमें रख कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखें, कोसेक स्क्वायर फाई, यहाँ पर कोसेक फाई और कोसेक फाई का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, एम अपान साइन थीटा, इसी कोसेक फाई का मान इसमें पुट करेंगे। चलिए कर लेते हैं, समीकरण एक एवं समीकरण दो से इस इक्वेशन नंबर थर्ड में मान को रखेंगे, ठीक है। कोसेक स्क्वायर फाई, तो कोसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू क्या होता है, एम साइन फाई, अर्थात इसमें एम बटे साइन थीटा, एम बटे साइन थीटा, कोसेक फाई का वैल्यू इसमें रख दिया, और इसका क्या है, वर्ग है, वर्ग है तो वर्ग कर लो, माइनस
कॉट स्क्वायर फाइव कॉट, और यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट फाइव का वैल्यू क्या है एन बटे टेन थीटा, इसी वैल्यू को पुट कर दो एन बटे टेन थीटा का क्या होगा स्क्वायर इक्वल क्या होता है वन, जो हम लोग पुट किए वो समझ में आ गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब देखो इसका वर्ग है तो वर्ग कर दो एम स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक इसी तरह से इसका भी वर्ग कर लो एन स्क्वायर अपान टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, अब उसके पश्चात इसको भी अब मैं रब कर लेता हूँ। अब देखो अब यहाँ पर एक फार्मूला और यूज होगा और उस फार्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है फार्मूला क्या है, सूत्र टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ताकि आप लोगों को भी एक बार और याद करने का मौका मिले सूत्र को आप लोग लिखा करो, ताकि जितने बार लिखोगे उतना ही ज़्यादा फार्मूला याद होता है। ठीक है तो इस फार्मूले को यहाँ पर पुट करो और बनाओ, चलिए बनाते हैं एम स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर अपान, देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर टेन थीटा इक्वल क्या फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, बस इसी फार्मूले को इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर लो कोई दिक्कत नहीं होगा इक्वल टू वन। ठीक है यहाँ तक, अब उसके पश्चात नेक्स्ट हो जाएगा इसका एम स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो यहाँ पर भाग है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एन स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा वन। यहाँ तक सबको क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे, और लघुत्तम लेना आप लोग तो जानते ही होंगे, मैंने बहुत सारी वीडियो में लघुत्तम लेना बता दिया हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। ठीक है अब देखो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है और साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, तो अंश में है उसको लिख देते हैं जो सेम रहता है तो, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस का चिन्ह है तो माइनस एन स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ इनटू में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, अब उसके पश्चात देखो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ कर लो, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है यहाँ तक, अब उसके पश्चात एक फार्मूला और यूज होने वाला है इसमें, है ना, और उस फार्मूले का नाम है फार्मूला जो है वो ये है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जो प्रूफ करेंगे उसमें तो कहीं जगह में साइन का नाम ही नहीं है, तो साइन थीटा को तो चेंज करना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है इसी फार्मूले को इसमें रखकर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, अगला हमारा चरण होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सूत्र को रख दिया, अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे पक्षांतर करेंगे, है ना, एक को लेफ्ट साइड पक्षांतर कर लो और इसे राइट हैंड पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करने पर क्या होता है चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, तो चलो पक्षांतर कर लेते हैं एम स्क्वायर वन को पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड पक्षांतर करेंगे तो ये उस पर जाकर ये प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है पक्षांतर कर लिए, अब देखो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल इसमें कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पदों में हैं तो दोनों पदों में होने के कारण वह उभयनिष्ठ निकलेगा, तो उभयनिष्ठ निकाल लो एन स्क्वायर माइनस वन इसके जगह में माइनस वन बचेगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा उभयनिष्ठ कॉमन निकल गया। अब देखो यहाँ पर गुणा का संबंध को कैसे पक्षांतर करते हैं मैं बार बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में। ठीक है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर इसके साथ गुणा का संबंध है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन, जो कि हमें यही प्रूफ करना था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है
प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा होगा, क्योंकि आपका एक कमेंट करते हो तो हम लोग मोटिवेट होते हैं, है ना। और आप लोग जैसा कमेंट करोगे वैसे प्रश्न आप लोगों के लिए लाते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसा वीडियो तो लाता रहता हूँ, आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी भी कर सकोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।